देखो ह्यूमन आई के अंदर लॉजिक समझते हैं। पहला लॉजिक, हमारी आँख के अंदर एक लेंस है जिससे हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। वो जो लेंस है उसका नेचर कन्वेक्स है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स लेंस जो है वो आँख के अंदर लगा हुआ है, और मैं मान लो ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा हूँ, आप सब मेरे लिए ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी? मेरी जो है आँख के अंदर एक रेटिना नाम का एक पर्दा है, उस पर्दे को रेटिना बोलते हैं। रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, ऐसा ही है। अब क्योंकि इमेज रेटिना के ऊपर बनती है, ऑब्जेक्ट आपके सामने है, तो कौन सी इमेज बनती है? कन्वेक्स लेंस है, रियल की वर्चुअल? रियल की वर्चुअल, रियल। तो रियल क्यों? क्योंकि लेंस यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज ऑन दी अदर साइड है, तो रियल बनती है। और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, तो कायदे से तो मेरा लेंस ये पूरी क्लास को उल्टा करके दिखा रहा है, इमेज उल्टी ही बनती है, पर ब्रेन क्या करता है उसको सीधा कर देता है। अब ये मुझे नहीं पता, बायोलॉजी वाले जानते होंगे सीधा क्यों करता है, लेकिन ऐसा नेचर का लॉ है, बना रखा है ब्रेन ऐसा, तो ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, प्रोजेक्टर के अंदर भी आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर जब आप परचेज करते हैं, नया नया प्रोजेक्टर लगा भी हुआ है, तो ये प्रोजेक्टर उल्टा लगा हुआ है। आप सीधा अगर प्रोजेक्टर चलाएंगे आपको इमेज सीधी दिखेगी, क्योंकि वो जो है रियल इमेज बनाती है ऑन दी अदर साइड ऑन द स्क्रीन, आँख की तरह। प्रोजेक्टर को उल्टा टांग देते हैं, इमेज सीधी आ जाती है। तो इसके अंदर तो ब्रेन नहीं ना, तो ये तो ऑब्वियसली उल्टा टंगेगा ताकि इमेज सीधी हो जाए। राइट, क्लियर है? थिएटर के अंदर प्रोजेक्टर भी ऐसे ही हैं, उल्टे टंगे होते हैं, इमेज सीधी बनती है। तो पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट समझो, हमारा जो हमारी जो आइज़ हैं, ये इसका लेंस बहुत ज़बरदस्त है। आप कमाल की चीज़ देखो, मैं पास का ऑब्जेक्ट देखूं, यू इज इक्वल टू 3 मीटर, इमेज रेटिना पे बनती है। अच्छा, मैं यू इज इक्वल टू 15 मीटर पे ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, इमेज रेटिना पे बनती है। वी सेम है, यू चेंज करे जा रहा हूँ, लेंस वही है, वी सेम है। मतलब मैं अगर मून को देखता हूँ इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो भी रेटिना पे इमेज बनती है, तो भी सेम है। मतलब आप दुनिया का जो मर्जी यू ले लो आँख के लिए, इमेज सेम ही है। ऐसा कभी लेंस देखा है आपने? ये कैसा लेंस हुआ भाई? यू चेंज करोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से v तो चेंज होगा ही ना, और यहाँ v नहीं चेंज होता, तो फिर क्या चीज़ चेंज होती है? f ऑटोमेटिक फोकल लेंथ है, ऑटोमेटिक लेंस है हमारी आँख का, फोकल लेंथ वो चेंज कर देता है। फोकल लेंथ ऐसे चेंज करता है कि आपकी इमेज हमेशा रेटिना पे ही बने। तो है कि नहीं कमाल की चीज़? तो ये एक ऑटोमेटिक लेंस है, और इस प्रोसेस को जिसमें फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। तो हमारी आँख अकोमोडेट करती है ऑब्जेक्ट को ताकि इमेज का डिस्टेंस सेम रहे। तो हमारी जो आई का लेंस है, ये कितनी दूर का ऑब्जेक्ट, नॉर्मल आई की बात हो रही है, चश्मे वाली आँखों की बात नहीं हो रही, मेरे जैसे बंदों की बात नहीं हो रही, नॉर्मल आँख की बात हो रही है। एक नॉर्मल आई जो बिल्कुल डिफेक्टिव नहीं है, ये कितनी दूर का ऑब्जेक्ट देख सकता है क्लियरली? इनफाइनाइट? नहीं, ये तो चांद से ज़्यादा भी देखता है। रात को चांद देखो, दिखेगा क्लियर आपको, इनफाइनाइट। स्टार भी दिखेगा, तो इनफाइनाइट इमेज यही बनेगी। तो एक नॉर्मल आई का दूर से दूर देखने का ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। तो इसको बोलते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब फार से फार कौन सी चीज़ देख सकता है उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? इनफाइनाइट। अच्छा, नॉर्मल आई पास से पास क्या देख सकता है? आपको ये भी देख सकता है, ये भी, ऐसा नहीं। नॉर्मली आँख पे स्ट्रेन डाल, मतलब स्ट्रेस डाले बिना, मतलब मसल्स को रिलैक्स करते हुए आप क्या देख सकते हो? एक किताब को अगर पढ़ना है तो किताब को ऐसे नहीं पढ़ते, किताब को ऐसे भी नहीं पढ़ते, आप नॉर्मली 25 सेंटीमीटर पे पढ़ते हो। नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर पे अगर किताब रखी हो, उसको क्लियर इमेज रेटिना पे बना देता है। किसी का 26 भी हो सकता है, किसी का 24.5 भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल आँख एवरेज 25 सेंटीमीटर पे सही काम करती है। आप बेड पे लेट के पढ़ते हो, पेरेंट्स आते हैं, वो ऐसे मत पढ़, आँख खराब हो जाएगी। कई लोग लेट लेट के पढ़ते हैं, ध्यान मैं पढ़ रहा हूँ जी, आँख खराब होएगी होएगी। क्यों? क्योंकि आँखों के जो मसल्स हैं उस पर जो है स्ट्रेस पड़ रहा है, देखो ना, फोकल लेंथ चेंज करे जा रही है वो। अब आप डेली ऐसे पढ़ते जाओगे, उसकी एडजस्टमेंट ही वैसी हो जाएगी, फिर आपकी आँख खराब हो जाएगी, फिर ऐनक लग जाएगी, फायदा क्या? तो आप 25 सेंटीमीटर पे पढ़ेंगे तो आपकी पास की जो जो है नज़र है वो सही रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो एक नॉर्मल आँख का नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो
तो नियर पॉइंट 25 है, एवरेज नियर पॉइंट 25 है, और दूर का पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी है। क्लियर है? ये एक डिफेक्टिव आई नहीं है। अगर आंख डिफेक्टिव है तो क्या प्रॉब्लम है? आंख अगर डिफेक्टिव है तो दो किस्म के डिफेक्ट हैं, पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया या नियर या फार साइटेडनेस। ये आपने टेंथ में पढ़ी हुई है। इसमें ये बताया जाता है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में जो ये डिफेक्टिव आई है, पहले समझ लो, अब हम खराब आंख को पढ़ने वाले हैं, तो ये रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, मतलब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है। ये डिफेक्टिव आई जिसको मायोपिया की प्रॉब्लम है वो इमेज रेटिना पे बना नहीं पाती, उसे आगे बना जाती है, तो आपको ये ब्लर दिखता है। तो मेरी आंख, मेरे को दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, तो मेरे को ये प्रॉब्लम है कि इनफाइनाइट बहुत दूर के ऑब्जेक्ट मेरे को ब्लर दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चश्मा लगा लूँगा, अब मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब हो क्या रहा है, चश्मा लगाने से आँख का लेंस ठीक नहीं हुआ, और न्यूमेरिकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग सोचते हैं आँख के लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल, भाई आँख के लेंस तो पहले डिफेक्टिव है, उसको क्या न्यूमेरिकल है, चश्मे का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल चश्मे पे बनते हैं, आँख के लेंस में नहीं बनते। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम है एक डिफेक्टिव आई की जिसको दूर की चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आती। मेरे जैसे बंदे का फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, मैं इनफाइनाइट बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा हूँ, तो मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, पर जिसके चश्मा नहीं लगा हुआ उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी है। मेरा फार पॉइंट लेट अस सपोज बस ये है, मुझे यहाँ का ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, उसके बाद मुझे ब्लर दिखता है, तो मेरा फार पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पे इनफाइनाइट भी नहीं है। तो मेरा जो फार पॉइंट है, जो फार पॉइंट है वो ये एफ है। तो अगर आप एफ पे कोई चीज़ रखेंगे, मेरे को चश्मे की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ इमेज बना दूंगा, पर मेरे को अगर मान लो मून को देखना है, अब तुम मून थोड़ा यहाँ ले आओगे रूम के, यहाँ देख लो सर आपकी, आप भी देख लो, ऐसा ना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कनकेव लेंस का एक चश्मा बनाऊँगा। कनकेव लेंस आँख के लेंस को धोखा देने वाला है, कैसे, वो यही काम करेगा। आपको मान लो मून को देखना है, मून की रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी, ध्यान से देखो इधर, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ये डाइवर्ज करेगा हल्का सा, ताकि रेस कहाँ पर मिले, एफ पे। तो मेरी आँख को एफ पे अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो ही उसकी इमेज आई पे बनेगी। तो ये लेंस क्या करेगा, उस मून जो इन्फिनिटी पे है उसकी इमेज एफ पे प्लॉट कर देगा। मेरी आँख को लगेगा कि ऑब्जेक्ट तो एफ पे पड़ा हुआ है, मून तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। तो ये धोखा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ये बेचारी आंख को लग रहा है कि मून यहाँ है, मून यहाँ है नहीं, मून तो इन्फिनिटी पे है, चश्मा उसको यहाँ प्लेस कर रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है इसमें। तो ये चश्मा कनकेव है, कनकेव डाइवर्जिंग चाहिए ताकि यहाँ के फार पॉइंट पे, मेरे फार पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो और उसकी इमेज सही बन जाए। अब फार पॉइंट, मेरी आंख का फार पॉइंट क्या है, मान लो वो एक्स है, मान लो एक्स है, तो फार पॉइंट अगर एक्स है तो मैं मान लो इन्फिनिटी पे किसी चीज़ को देखना चाहता हूँ, इमेज को कहाँ पर बनाना चाहता हूँ, एक्स पे, फोकल लेंथ निकालनी है, तो इस चश्मे के लेंस, ये सारा काम चश्मा ही कर रहा है। कनकेव लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएं, कनकेव लेंस क्या कर रहा है, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस कर रहा है, मेरे फार पॉइंट पे, और मेरा फार पॉइंट कहाँ पर है, एक्स पे, तो यहाँ से फार पॉइंट आ गया। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, कनकेव लेंस का फार पॉइंट जो होता है वो एफ फोकल लेंथ ही होता है, तो जो भी फोकल लेंथ है वही मेरा फार पॉइंट है। तो सिंपल है कि जो भी फोकल लेंथ है वही फार पॉइंट है। ये किस की बात हो रही है, उस डिफेक्टिव आई की बात हो रही है जिसकी दूर की नज़र की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना, मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। और क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है, तो चश्मा कौन सा लगेगा, कनकेव लगेगा। अब सपोज करो जिसको प्रॉब्लम है लॉन्ग साइटेडनेस की, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, ये ओल्ड एज में होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ओल्ड एज में है उनको ना पास की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, कोई चीज़ पढ़नी है तो आपने देखा चश्मा भूल गए, कोई ओल्ड बंदा हो गया, ऐसे ऐसे पढ़ता, इस तरीके से पढ़ता है। क्यों पढ़ता है दिखाता हूँ, एक आम बंदे का नियर पॉइंट होता है 25 पे। अब ये लोग जिनकी डिफेक्टिव आई और पास की नज़र ख़राब है, वो 25 पे जब रखते हैं तो उनकी इमेज बन जाती है दूर। अब वो क्या करते हैं, इस किताब को ही 25 से दूर रख देते हैं ताकि पूरा डायग्राम लेफ्ट शिफ्ट हो जाए और ये देखो इमेज यहाँ पर बन जाए। तो बिना चश्मे के पढ़ सकते हो अगर आप 25 से दूर किताब रख लो, पर यार देखो ना कोई ऐसे किताब अखबार क्यों पड़ेगा सुबह उठ के, मैं कि चश्मा ही लगाऊंगा, मैं अखबार ऐसे पढ़ लूंगा,
तो भैया तुम चश्मा लगा लो, तो चश्मा क्या करेगा, इस आई का नियर पॉइंट 25 नहीं है, 25 से ज़्यादा है, मान लो 35 है, मतलब ये बंदा 35 सेंटीमीटर पे किताब सही पढ़ पाता है। अब वो किताब ऐसे नहीं पढ़ेगा, उसको भी 25 रखना है, तो क्या करेगा, चश्मा लगाएगा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर पे किताब रखो, वो इसे थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा और इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ बना देगा, कहाँ पे, जहाँ डिफेक्टिव आई देखना चाहती है, जहाँ वो उसका नियर पॉइंट है। डिफेक्टिव आई को तो पसंद है कि किताब यहीं पर पड़ी रहे ताकि मैं इमेज यहाँ बना दूँ, तो ये लेंस क्या करता है, उसको धोखा देता है। आप 25 पे किताब रखो, ये लेंस उसकी इमेज 35 पे बनाएगा और फिर इमेज बिल्कुल करेक्ट बन जाएगी। तो ये लॉजिक है, बस हम खेल खेल रहे हैं चश्मे के साथ, आई को तो ठीक नहीं कर पा रहे, बस वो धोखा तो दे ही सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखा जाएगा, जो किताब है, जो इस टाइप की जिसको प्रॉब्लम है, किताब को कहाँ रखेगा, 25 पे रखेगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, -25, और इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसके नियर पॉइंट पे। अब नियर पॉइंट तो 25 ही ना, नियर पॉइंट तो दूर है, तो यू तो इसमें 25 रहेगा। हम 25 को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी 25 है बाय डिफॉल्ट, और किताब हमेशा हर क्वेश्चन 25 पे ही रखी जाती है, और इमेज कहाँ पर बन रही है, एट फार पॉइंट, नियर पॉइंट कितनी दूरी पर है, वाई। तो यहाँ पर लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएं और फोकल लेंथ निकाल दें। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे ये कैपिटल डी क्यों लिया, यू तो हमेशा 25 ही होगा, वो न्यूमेरिकल में चेंज भी कर सकता है। एक बंदा वो कहेगा एक किताब पढ़ रहा है 26 सेंटीमीटर पर रख के, तो तुम रट्टा मार के जा रहे हो 25, वो कह रहे 26 पे किताब पढ़ता है, तो डी क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो वैसे अगर ना गिवन हो क्वेश्चन में तो 25 लेना है, और अगर कुछ गिवन हो फिर वो ले लेना है। तो अब इसको करना कैसे है, इसको समझाता हूँ। इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल ट्रिकी नहीं है, 2 मिनट का काम है, इतनी थ्योरी चाहिए भी नहीं हमें। वॉट फोकल लेंथ शुड अ रीडिंग स्पेक्टेकल, अखबार पढ़ना है मुझे, उसका चश्मे की फोकल लेंथ बताओ, जिसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 50 है। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है कि जो पास, जो हमारा नियर पॉइंट है, मतलब कि ये जो बंदा है ये अपने अखबार को रखता है 50 पे, ताकि उसका डिफेक्टिव आई रेटिना पे इमेज बनाए, इसका नियर पॉइंट 50 है। तो लीस्ट डिस्टेंस का मतलब जहाँ पर इमेज क्लैरिटी क्लियर बनती है उसको लीस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसकी आँख जो है ये 50 सेंटीमीटर पर किताब सही बनाती है। तो वो कह रहे फोकल लेंथ क्या लगेगी, तो एक काम क्यों नहीं करते, चश्मा लगाओ इसके ऊपर, किताब ये रखेगा 25 पे ही, और इमेज कहाँ पर बनानी है, जहाँ ये पसंद करता है, कितना, 50 पे। तो निकाल लो लेंस, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मतलब कन्वेक्स लेंस लगेगा, तो नज़दीक की नज़र ख़राब है तो पॉजिटिव ही लगेगा। तो यू तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 25 ही पुट करते हैं। जैसे पर्सन वेयर ग्लासेस ऑफ पावर, नेगेटिव पावर है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, कनकेव है, दूर की नज़र ख़राब है। पर्सन फार या नियर साइटेडनेस है, ये बताना है, नियर है। व्हाट इज फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन, इस बंदे का फार पॉइंट क्या है। कनकेव के केस में तो फोकल लेंथ ही फार पॉइंट है, फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ पावर है, यही इसका फार पॉइंट है, 40 सेंटीमीटर आंसर। दूर की नज़र का तो क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है, वही फोकल लेंथ और वही फार पॉइंट है। जैसे इस क्वेश्चन में फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80, कह रहे जो फार पॉइंट है, जैसे दूर की नज़र खराब है, 80 है। व्हाट इज पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, ताकि इसको क्लियर दिखे, भाई फार पॉइंट ही फोकल लेंथ है, अगर फार पॉइंट ही कितना है 80 है, तो फोकल लेंथ भी कितना है 80 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि दूर की नज़र के लिए कौन सा लेंस लगता है, कनकेव। तो ये सीधा ये करने की जरूरत नहीं है, -80 लगा देना आंसर, और रेसिप्रोकल लेके पावर आ जाएगी, बात ही खत्म, क्लियर है। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 75, नियर पॉइंट, पास की नज़र खराब है, 75 है, मतलब 75 सेंटीमीटर पे किताब पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ेगा भाई, किताब को 25 पे रखो, तो यू -25, लेकिन इमेज कहाँ बनानी है, एट 75। तो फोकल लेंथ क्या होगी, यू -25 है, वी -75 है, निकाल लेना, फोकल लेंथ आ गई, रेसिप्रोकल पावर आ गया। तो कुछ भी नहीं करना इसमें, बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपने चश्मे के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है।